हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंसर कार्ड। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ न्यूज़पेपर कल्प मेधा। भय से शांति नहीं लाई जा सकती, शांति तो तब आती है जब हम अपने विश्वास के लिए ईमानदारी से कोशिश करें। एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो शांति लाने के लिए अनिवार्य है कि विश्वास के साथ ईमानदारी से कोशिश की जाना। भय से या डरा कर या इस तरह का माहौल बनाकर शांति स्थापित नहीं की जा सकती। बुजुर्गों को स्वास्थ्य बीमा दायरे मिलाना अनिवार्य। तो हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई जिसके द्वारा बताया गया कि भारतीय एशियाई प्रशांत देशों में सबसे निचले कतार पर है बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य बीमा मामले, जो कि विश्व एशिया विकास बैंक के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें एजिंग वेल इन एशिया शीर्ष के नाम से जो रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें दक्षिण कोरिया और थाईलैंड को यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज हासिल कर लिया है, जबकि भारत समेत कई देश ऐसे हैं जो इसमें सबसे पीछे हैं। जब हम बात करते हैं किस तरह से वृद्ध लोगों को बीच जो स्वास्थ्य सेवाएं या जो बीमा से संबंधित सेवाएं पहुंचनी चाहिए वो बहुत कम पहुंचती है, जिसमें 21% तक ही ऐसे लोग हैं जिन तक वह सेवाएं पहुंच पाती है। अगर हम बात करते हैं किस तरह से स्वास्थ्य बीमा देने के वाली आयुष्मान भारत योजना या फिर अन्य सेवाएं जो बुजुर्गों के स्वास्थ्य हेल्थ को कवर करती है, उनमें से 60 वर्ष तक की अधिक आयु के लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उपयोगी बना पाना और उनको किस तरह से बीमे के दायरे के अंदर लाना, यह अनिवार्य है। हाल ही में देखा गया था किस तरह से जो बीमा कवरेज के नियम है उनमें परिवर्तन लाए गए थे, जो कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति को भी कवरेज के अंदर लाने तथा किसी भी प्रकार की गंभीर समस्या से के होने के बावजूद भी या बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद भी उन्हें बीमा कवरेज दिया जाना जैसी योजनाएं शामिल थी। लेकिन इसके लिए अनिवार्य है कि बुजुर्गों के ऊपर अत्यधिक बोझ ना पड़े। किस तरह से वह उनकी जो इंस्टॉलमेंट है उससे संबंधित या फिर जो अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाती है उनके लिए कारगर साबित हो। जब स्वास्थ्य बीमा के दायरे के अलावा बात करते हैं तो किस तरह से बुजुर्गों को शारीरिक और कार्यात्मक क्षमता को भी अनुकूल प्रयोग करना अनिवार्य है, ताकि उनकी गतिविधियों का विस्तार हो सके और वो अर्थव्यवस्था के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। जब हम बात करते हैं बांग्लादेश, इंडोनेशिया, भारत में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से वंचित आधे से अधिक लोग निचले 40% आबादी के हिस्से में आते हैं। किस तरह से 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या वर्ष 2050 तक दुगनी होकर 1.2 अरब हो जाएगी। इसलिए अनिवार्य है कि उनको इस तरह की एक्टिविटीज में शामिल किया जाए कि वह उनकी उम्र के हिसाब से अपने इस तरह के स्टार्टअप या फिर जब हम केयर इकोनॉमी की बात करते हैं या फिर बुजुर्गों से संबंधित स्टार्टअप्स की बात करते हैं इनमें इन्वॉल्व किया जा सके। इसके अलावा जब हम बात करते हैं किस तरह से वैल्यू के ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मूल्यों का हस्तांतरण करने के लिए भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उसके अंदर भी उनका योगदान देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तरह के कार्य देखे जा सकते हैं जिसमें वह अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर सके और अपनी आय के लिए अत्यधिक निर्भर ना हो और उनका एक सिर्फ इकोनॉमी के अंदर उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त जब हम बुजुर्ग उत्पादकता की बात करते हैं तो उसका लाभांश हासिल करने के मौके सकल घरेलू उत्पाद में औसतन 0.9% तक बढ़ाए सकता है, तो इसके लिए इन सभी दिशाओं में कार्य करना अनिवार्य है। चुनाव के बीच नहीं बना सकते नीति, कोई भी आयोग पर करे भरोसा। तो डीप फेक तकनीक के मुद्दे काफी देखने के लिए मिल रहे हैं, किस तरह से डीप फेक के माध्यम से चुनाव को भ्रमित करने या फिर करने जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है, जिस पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि डीप फेक तकनीक से निपटने के लिए जो भी भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तरीका अपनाया जा रहा है उसी पर ही विश्वास करें, क्योंकि इस समय में कोई भी नीति अपनाई नहीं जा सकती। आचार संहिता लग चुकी है तथा इलेक्शन के समय में किसी भी प्रकार के बिल और प्रावधानों को पास नहीं किया जा सकता। वह चुनाव के बीच में इसलिए कोई नीति नहीं बदल सकते। अदालत का कहना है कि किस तरह से सिर्फ कार्यप्रणाली बदली है और पहले से भी राजनीति का के प्रति जो अफवाह फैलाई जा रही है उनके ऊपर डीप फेक जैसी सामग्रियों के खतरनाक प्रयोग देखने के लिए मिल रही है। इसलिए अनिवार्य है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के कार्यों के ऊपर उनके वह एक संवैधानिक निकाय है, इसलिए उनके हस्तक्षेप किए बिना उनके जो भी कार्य है और जो भी उनके निर्देश है उनके ऊपर भरोसा किया जाए। आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर रूल के मुताबिक दोनों ही टीम के प्लेइंग इलेवन के अलावा 5 5 सब्स्टिट्यूट प्लेयरों का भी नाम
देना होगा। इन्हीं पांच में से किसी एक को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मैदान में उतारा जाएगा। इम्पैक्ट प्लेयर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों हो सकते हैं, जिसे के लिए इम्पैक्ट प्लेयर, जो कि पहले ऑलराउंडर प्लेयर के शब्द को बदलकर इम्पैक्ट प्लेयर लाया गया, जो कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों कर सकते हैं, उसके लिए इस तरह की भूमिका, इस शब्द का प्रयोग अब किया जाएगा। अवसाद का फैलता जाल, तो देखने को मिला है किस तरह से लोगों के अंदर अवसाद बढ़ता जा रहा है, क्रोध बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, जैसे कि क्रोध आना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, चिड़चिड़ापन होना, खुद को दोषी महसूस करना, या फिर इस तरह की थकान होना, या किसी कार्य को ना करना, आत्महत्या जैसे विचार खुद के मन में उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह की स्थिति को किस तरह से सुधारा जाए, या फिर जो मानसिक स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है, या अकेलेपन जैसी ऊर्जा, उदासी जैसी भाव मनुष्य के मन में उत्पन्न होते जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए किस तरह के कार्य किए जाए, इसके लिए अनिवार्य है कि जब हम बात करते हैं सभी के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, बुजुर्ग हो, या फिर नौजवान हो, उनके लिए अगर वह इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त है तो उन्हें चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। जब हम बात करते हैं जापान की, तो 2021 में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस, यानी अकेलेपन को दूर करने के लिए एक मंत्रालय ही बनाना पड़ा था। इतने अधिक लोग वहां पर अकेलेपन से मुक्त करार करने के लिए, फिर आत्महत्या से बचाव के लिए इस प्रकार की मिनिस्ट्री स्थापित करनी पड़ी थी। किस तरह से इन लोगों के बीच में आत्महत्या के जो मामले वो बढ़ते जा रहे हैं। भारत में सालाना 1,44,000 लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिसका कारण मानसिक स्थिति होती है। तो किस तरह से इनको रोका जाए, यहाँ देखने के लिए मिला था किस तरह से कोविड के समय में जारी की गई हेल्पलाइन नंबर, जो कि मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक से बात करने के लिए, उन आपकी स्थिति को समझने के लिए अनिवार्य है। इस तरह के निःशुल्क नंबर्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य था, सभी स्तर पर उनके बारे में स्थिति की जांच करना, उनके लिए डाटा एकत्रित करना तथा यह जानना कि किस तरह से किस व्यक्ति की भूमिका है। इसमें हम एआई का प्रयोग कर सकते हैं, एआई के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, और यह जाना जा सकता है कि किस व्यक्ति की किस प्रकार की स्थिति है। जब हम फ्रंट लोब की बात करते हैं, तो मनुष्य के मस्तिष्क का फ्रंट लोब वाला हिस्सा उसको अपनी सुरक्षा के लिए सावधान करता है, और उसे निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है, लेकिन अवसाद की स्थिति में यह अपना काम करना छोड़ देता है, निष्क्रिय हो जाता है, जिसकी वजह से मनुष्य खुद को नुकसान पहुंचाता है। और यही कारण है कि 90% लोग अवसाद या तनाव के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। और फ्रंट लोब में गड़बड़ी होने की वजह से, या फिर वह सक्रिय रूप से कार्य ना करने की वजह से ही इस प्रकार की समस्या में देखने के लिए मिलती है। भारत में भी अवसाद से ग्रस्त एक बड़ी संख्या में देखने के मिलती है, जिसके कारण आज वर्तमान समय का व्यस्त जीवन और असंतुलित जीवन तथा किस तरह से मोबाइल फोन या फिर निजी समस्याओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित होना, या नकारात्मक ऊर्जा के कारण इस तरह की स्थिति हमें युवाओं में देखने के लिए मिलती है। किस तरह से युवा अपने भविष्य को एक असुरक्षित अनुभव करते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा कब होंगी, या फिर किस तरह से उनमें रद्द हो जाने की वजह से, या फिर पास ना होने की वजह से हमें देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से वह लोग निराश होकर या अवसाद और मानसिक स्थिति में जाकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। तो इसलिए अनिवार्य है कि हमें उन सभी प्रकार की महामारी और संकटों से दूर निकलने की आवश्यकता है, कि सिर्फ किसी एग्जाम या फिर किसी भी नौकरी के माध्यम से ही किसी व्यक्ति की गुणवत्ता साबित नहीं होती, उनसे अधिक अनिवार्य है कि परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा और उनके मित्रों के द्वारा उनको उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताया जाए। किस तरह से प्राकृतिक, राजनीतिक, पारिवारिक अवसाद जो चुनौती बनता जा रहा है, उनको उनमें सुधार लाया जाए, ताकि सुरक्षा का भाव मनुष्य के मन में आए और वह खुश हो सके, ना कि असुरक्षा के भाव से उसके मन से खुशी रहने का खुशी उत्पन्न होने की आशंका ही खत्म हो जाए। इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जनसंख्या ही किसी समाज को विकसित और विकासशील प्रगति की ओर आगे बढ़ा सकती है। इसलिए संवेदनशील होना अनिवार्य है, कभी किसी सभी मुद्दों को गंभीरता से लेना अनिवार्य है, और इन सभी समस्याओं के कारण जो अवसाद उत्पन्न होता है, इसलिए अनिवार्य है कि उन सभी विद्यार्थियों से, युवाओं से बात की जाए, उनके साथ संवाद किया जाए, ताकि उनकी समस्या को समझा जा सके और धैर्य और साहस के साथ अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा जा सके। राजस्थान सरकार सुनिश्चित करे कि प्रदेश में कोई बाल विवाह नहीं हो। तो राजस्थान, अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिस दिन बड़ी संख्या में विवाह कराए जाते हैं। तो कोर्ट द्वारा यह निर्देश दिए गए थे कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि राज्य में कोई विवाह ना हो। इसके लिए विवाहों को रोकने के लिए सरपंच और पंचों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था कि वह अपने एरिया
आधिकारिक क्षेत्र में देखे कि इस प्रकार की समस्या में देखने के लिए ना मिले। कोर्ट की खंडपीठ ने बाल विवाह को रोकने के लिए और उसमें हस्तक्षेप करने की मांग की थी। जब हम कहते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू होने के बावजूद भी देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से कम उम्र में बच्चों का विवाह कर दिया जाता है, तो इस तरह की समस्या को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए एक पूरे नीति निर्देश अदालत की तरफ से जारी किए गए थे, जिसमें राजस्थान पंचायत अधिनियम 1996 के अनुसार बाल विवाह पर प्रतिबंध करने के का कर्तव्य सरपंच पर डाला गया था। हम देख सकते हैं किस तरह से जब हम सरकार के त्रिस्तरीय ढांचे को देखते हैं, जिसमें पंचायत सबसे निम्न स्तर पर आती है, तो उनके माध्यम से हम समाज में फैले इस तरह की कुप्रथाओं को भी रोक सकते हैं, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है तथा बच्चों का भविष्य संकट में आता है। संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र के खिलाफ शीर्ष अदालत का एक मूल मुकदमा दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सीबीआई प्राथमिकता दर्ज कर रही है और अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। तो जब हम बात करते हैं कोई भी राज्य केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है, तो अनुच्छेद 131 के तहत यह याचिका दायर की जाती है। नेक्स्ट है कि C-295 विमान से होगा वायुसेना की युद्ध क्षमता में इजाफा। तो भारतीय वायुसेना युद्ध क्षमता का इजाफा देखने के लिए स्पेन से वायुसेना का दूसरा C-295 परिवहन सौंपा गया है, जो एयरबस द्वारा समय सीमा के अंदर निर्मित किया गया था। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस में अपने कार्य करती है। इसके द्वारा पायलट और स्पेन की कंपनियों के द्वारा C-295 परिचालकों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। वह भारत के आगरा शहर में प्रशिक्षण को से जुड़े फुल मोशन रिमोल्यूटर को चालू होने के बाद इन सब के प्रशिक्षण किया जाएगा तथा इन सब से संबंधित गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। तो हम देख सकते हैं C-295 जो है स्पेन के द्वारा तैयार किया गया, जिसमें एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी शामिल है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने पर जो हाल ही में देखने के लिए मिला था, किस तरह से जो बायलैटरल रिलेशनशिप है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, उसमें औषधि, डिजिटल व्यापार, सीमा शुल्क भुगतान प्रणाली जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए कृषि, खाद्यान्न प्रोसेसिंग यूनिट, भंडारण, परिवहन, वानिकी और औषधि के क्षेत्र में गठन किए जा रहे हैं। कि किस तरह से विचार विमर्श के बाद यह निश्चय लिया गया है कि कीवी फल के साथ दुग्ध क्षेत्र से संबंधित सहयोगों को बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जब अन्य फल और सब्जियों की बात करते हैं, जिसमें अंगूर, आम, भिंडी जैसे उत्पादक आ जाते हैं, इन सभी पादपों से संबंधित मुद्दे भी वहां पर चर्चा का विषय रहे। किस तरह से जैविक उत्पादकता को मान्यता बढ़ाने के लिए और वाहनों की तुलनीय घरेलू मानक परिसर को मान्यता मिली है, किस तरह से उनकी जो मानक परिसर है वह निश्चित करने अनिवार्य है ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके। औषधि एवं चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में भी है सहयोगता विस्तार पर आगे चर्चा की जाएगी। तो भारत के लिए जब हम देखते हैं दुग्ध उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर आता है, तो यह भारत के निर्यात को बढ़ाएगा। NPCI ने नाम्बिया में क्या समझौता, तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की विदेशी शाखा ने नाम्बिया के साथ यूपीआई जैसे त्वरित भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए बैंक ऑफ नाम्बिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो हमने देखा था किस तरह से 7 देशों के द्वारा यूपीआई प्रारंभ किया गया, जिसमें फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, सऊदी अरब जैसी कंट्रीज शामिल थी। उनके अलावा अब हम देख सकते हैं कि नाम्बिया के साथ भी यह समझौता किया गया है। तो किस तरह से यूपीआई इंटरनेशनल कार्यप्रणाली के माध्यम से यह समझौता अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी वजह से जब हम बात करते हैं टूरिज्म का, उसको प्रमोट किया जाएगा। फिर पेमेंट करने के लिए डिजिटल माध्यम से पेमेंट की जा सकती है, लेकिन यूनिवर्सल सिस्टम डेवलप हो रहा है जो कि पूर्ण रूप से स्वदेशी है, भारत द्वारा निर्मित है। विदेश मंत्री ने कहा भारत का हिस्सा है साक्षांग घाटी। तो हाल ही में देखने के लिए मिला था किस तरह से भारत की जमीन पर स्थित को बदलने के लिए अवैध प्रयास किए जा रहे हैं। तो साक्षांग घाटी भारत का हिस्सा है और नई दिल्ली ने 1963 में तथाकथित चीन पाकिस्तानी समझौते को स्वीकार नहीं किया था, जिसके मध्य इस्लामाबाद ने गैरकानूनी रूप से बेंजिंग को यह हिस्सा सौंप दिया था। तो जब हम बात करते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पर पास वाले हिस्से की, जिसको साक्षांग घाटी के नाम से जाना जाता है, वह पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर हिस्सा आता है, जिसको पाकिस्तान ने
गैर कानूनी रूप से चीन को सौंप दिया था, तो उसी के संबंधित है कि वह भारत का हिस्सा था और भारत का हिस्सा ही रहेगा। और इस प्रकार के अवैध प्रयासों का खिलाफ चीन के पक्ष में जो भी है भारत का इस सभी स्तर पर इन तथ्यों का खंडन करते हैं। राखी गढ़ी में खोदा गया टीला पर मिली सील, तो यहाँ देख सकते हैं कि सील पर मौजूद लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया, जिसे जब पिक्टोरियल ग्राफी में यह देखने के लिए मिलते हैं, जो कि दाएं से बाएं तथा बाएं से दाएं लिखी जाती है। उन समय के सील का प्रयोग व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जाता था तथा खुदाई के दौरान जो सील मिली है वह और सीलों के मुकाबले अलग है, क्योंकि यह पूर्ण रूप से पूरी हुई है, टूटी हुई नहीं मिली है, जिसकी वजह से इनकी कड़ी जोड़ने में महत्वपूर्ण हो गया। इस बार देखा गया है कि ये सील पूरी तरह से ठीक है, इन पर एक हुक लगा हुआ है, जिसकी वजह से शायद यह उस समय की सील होगी जो कि व्यापार के लिए फिर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए प्रयोग की जाती होगी, जो गले में डाली जाती होगी या फिर किसी और कार्य के लिए इनका प्रयोग किया जाता होगा। जब हम खुदाई की बात करते हैं तो खुदाई के दौरान सील, पाटरी, बड़े बर्तन, पोटरी, बड़े बर्तन, मिट्टी की छाप इत्यादि वाले काफी लिपि वहां पर देखने के लिए मिली है, जो कि अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जब केमिकल से किया जाएगा साफ की सील को, सबसे पहले बड़ी बारीकी से एसीटोन केमिकल से साफ किया जाएगा, तो किस पदार्थ या किस केमिकल के माध्यम से पुरातात्विक विभाग की जो सील होती है फिर जो भी खुदाई के दौरान मिले हुए संबंधित होता है उसको किस से खोदा जा साफ किया जाता है, तो एसीटोन नाम के केमिकल से इनको साफ किया जाता है। यह सील करीब 2 इंच बड़ा और 4 इंच चौड़ा है, जिसके ऊपर पशुपति या पशु के चित्र बनाए गए हैं, जो कि पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। जब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो देखने के लिए मिला है कि हरियाणा के राखीगढ़ी गांव में भारत पुरातत्व तो सर्वेक्षण की खुदाई के दौरान हड़प्पा कालीन एक कंकाल मिला है। एएसआई के मुताबिक यह कंकाल 4000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस कंकाल के ऊपरी हिस्से में खोपड़ी क्षतिग्रस्त है। यह कंकाल किसी अधेड़ उम्र के व्यक्ति का लगता है, जिसके पास 21 मृत भांड भी मिले हैं। कंकाल के पास शंख के अलावा अलग अलग प्रकार की चूड़ियां भी पाई गई है। यह कंकाल राखीगढ़ी के टीला नंबर 7 से मिला है। राखीगढ़ी को हड़प्पा कालीन सभ्यता की सबसे पुरानी साइट माना जाता है। तो नेक्स्ट है मसाला बोन में साल्मेनिया सुदर्शन, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के द्वारा साल्मेनिया के कारण 2023 में एमडीएच के मसालों को लगभग एक तिहाई शिपमेंट को अस्वीकार कर दिया गया था। जब हम साल्मेनिया की बात करते हैं यह क्या है, तो अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अनुसार साल्मोनेला जो है वो एक बैक्टीरिया का एक समूह है जो गैस्ट्रोसाइनल बीमारी और साल्मोनेशी नामक बुखार के कारण बुखार होने का कारण बन सकती है। यह कैसे फैलता है, तो यह स्वाभाविक रूप से जानवर की आंत में मिलता है या फिर उनके द्वारा उत्पन्न किए गए मल में मिलता है। किस तरह से यह मनुष्य को संक्रमित कर सकता है, तो मनुष्य जब इस प्रकार के जानवर या वस्तु के संपर्क में आता है जो इस बैक्टीरिया से संक्रमित हो, तभी यह बैक्टीरिया मनुष्य में फैलता है, जो कि सर्वव्यापी रूप से कठोर जीवाणु है जो शुष्क वातावरण में भी कई सप्ताह तक जिंदा रह सकता है, पानी में कई महीनों तक जीवित रह सकता है। तो यह एक बैक्टीरिया है जो कि जानवर की आंत में पाया जाता है और वह जानवर से मनुष्य में फैलता है। इससे जुड़े जोखिम की बात करें तो विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्क भी है प्रतिरक्षक क्षमता प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें अधिक समस्या देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया। तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान के शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य को संवेदनशील क्षेत्र को परिभाषित करने वाली मौजूदा अनुसूची जारी की है, जिसमें उन्होंने अभयारण्य को कोर एरिया के आसपास का 348.60 वर्ग किलोमीटर का ESZ प्रस्तावित किया है। पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने के लिए वन्य जीव के इन सीटू संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए और पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखने के लिए
मुख्य संरक्षित वन क्षेत्र के आसपास में एक बफर जोन बनाया जाता है जिसके माध्यम से इनको संरक्षित रखा जाता है तथा वहां की बायोडाइवर्सिटी और विभिन्न प्रकार के प्राणियों को बचाया जाता है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के बफर जोन को इको सेंसिटिव जोन घोषित करने के आदेश दिए थे। वही जब शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य की बात करते हैं तो इसको 1983 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था, लेकिन तब ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में घोषित नहीं किया गया था। यह वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के 12 जिले में लगभग 65 किलोमीटर दूर स्थित है। इस अभयारण्य को एक किले के द्वारा घेरा हुआ है जो कि प्राचीन किला है, जिसे 1790 ईस्वी में बनाया गया था। यह अभयारण्य परबन नदी प्रवाह इस अभयारण्य से परवन नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है इंडिया टुडे ग्रुप के एआई न्यूज एंकर सना, हाल ही में सना ने इंटरनेशनल न्यूज मीडिया संगठन का ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। तो ग्लोबल मीडिया अवार्ड किसके द्वारा जीता गया, तो सना जो कि एयर इंडिया टुडे ग्रुप की न्यूज एंकर है। नेक्स्ट है द विनर विनिंग माइंडसेट, तो स्टेन वो द्वारा लिखी गई है पुस्तक है। जब हम बात करते हैं इल्डा को मिला नवरत्न का दर्जा, तो भारत में कुल 17 नवरत्न हो गई है। जब इरडा की स्थापना की बात करते हैं तो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। तो कृष्ण एला तो भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण एम एला को इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के न्यू अध्यक्ष घोषित किया गया है। न्यूयॉर्क में ड्रॉप इन पीछे का इस्तेमाल, तो ड्रॉप इन पिंच पिच को मैदान से कहीं दूर बनाया जाता है, लेकिन उसके बाद उसे स्टेडियम में लाकर बिछा दिया जाता है। तो आगामी T20 विश्व कप के लिए फ्लोरिडा से ड्रॉप इन पिच को न्यूयॉर्क लाया जाएगा और इस तरह से इसका प्रयोग किया जाएगा। तो ब्रिटेन में भारत वंशी लेखिका श्रवणी बासु को लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डायरेक्टर की मानव उपाधि से उपाधि प्रदान की गई। टीके नहीं लगवाने से दुनिया भर में 2 गुना हो गए हैं खसरे के मामले। तो विश्व संगठन के द्वारा स्पेन में आयोजित सम्मेलन में यह रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें बताया गया कि 2022 में 1.71 लाख के मामले सामने आए थे, लेकिन 2023 में यह दुगने हो गए हैं जो कि 3.21 लाख के मामले मिले हैं। वहीं जब हम 2024 की बात करते हैं तो दुनिया भर में अब तक 94,000 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। जब सबसे अधिक मरीजों की बात करते हैं तो यमन में इनके सबसे अधिक मरीज मिल रहे हैं, जो कि उन्मूलन के प्रयासों को इस तरह की स्थिति देकर बहुत बड़ा झटका लगा है। जब हम बात करते हैं दिसंबर 2020 से 2023 तक भारत में खसरे के 81,000 मामले सामने आ चुके थे। जब हम बात करते हैं प्रति 10 लाख की आबादी पर 57.29 की दर से यह मामले सामने आ रहे हैं। टीकाकरण की प्रमुख वजह, तो WHO की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें खसरे के मामले में वृद्धि की वजह कोरोना महामारी के दौरान टीकाकरण की कमी को बताया जा रहा है। किस तरह से जो खसरा वायरस बेहद संक्रामक है, तो ये खसरा जो है वायरस है, जो टीकाकरण का व्यवधान है इसकी वजह से यह ना लगने की वजह से अत्यधिक बढ़ जाता है। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो वहां इसके अधिक मामले देखने के लिए मिले हैं। जब इसके लक्षण की बात करते हैं तो यह अत्यधिक संक्रामक है, इसकी वजह से बीमारी, चोट लगना या फिर विभिन्न प्रकार की मृत्यु जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा यह बच्चों के लिए जानलेवा है, जहां पर बुखार के लक्षण खांसी जुकाम आंखों से पानी आना जैसी समस्या देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा शरीर पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। खसरे में प्रत्येक 20 बच्चों में से एक को निमोनिया होने की संभावना रहती है। इसमें मस्तिष्क में सूजन जैसी गंभीर बीमारी भी उत्पन्न हो जाती है। फर्स्ट ऑफ द पोस्ट बनाम अनुमातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो 100 से अधिक देशों के द्वारा अनुमातिक प्रतिनिधित्व या मिश्रित सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 50 से भी कम देश ऐसे हैं जो फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो दुनिया भर में यह 2 प्रणाली है जिनके द्वारा इलेक्शन कराया जाता है। जब साधारण बहुमत प्रणाली यानी फर्स्ट पोस्ट द पास्ट द पोस्ट सिस्टम की बात करते हैं, और यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत मिलने पर उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, फिर उसे विजयी बना दिया जाता है, जिसमें जरूरी नहीं है कि उसे कुल बहुमत का 50% हासिल हो। यह उसमें यही अनिवार्य है कि जितने भी वोट पड़े उसमें उसे अधिक मिले।
जो कि भारत में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में प्रयोग की जाती है। भाई जब विधानसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं तो वहां पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जब अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करते हैं तो यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा इस पद्धति में मतगणना के बाद प्रत्येक राजनीतिक दल को संसद में ही उसी अनुपात में सीट दी जाती है जिस अनुपात में उसे मतदान मिला है। प्रत्येक राजनीतिक दल से पहले उसके प्रत्याशी की एक प्राथमिक सूची तैयार की जाती है, उन उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिक सूची से चुना जाता है जितने की सीट में का कोटा है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दो प्रकार से होती है, इजराइल और नीदरलैंड में इस प्रकार की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है जिसे पूरे देश का एक निर्वाचन क्षेत्र मान लिया जाता है और प्रत्येक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त मत के अनुसार सीट दे दी जाती है। जब अर्जेंटीना और पुर्तगाल की बात करते हैं तो वहाँ बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली के क्षेत्र में बांटा जाता है, तो या तो पूरे देश को एक ही निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा या पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा। इस प्रकार से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर भी हमें दो प्रकार की प्रणालियां देखने के लिए मिलती है जिसमें राजनीतिक दल निर्वाचित क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशी की सूची जारी करेगा और उन्हीं प्रत्याशी को उस निर्वाचित क्षेत्र के लिए चुना जाएगा और मतदान राजनीतिक दलों का मत होगा। जब हम बात करते हैं पास्ट, पोस्ट द पास्ट और अनुपातिक प्रणाली में अंतर की, तो हम देख सकते हैं जो फर्स्ट पोस्ट द पास्ट है, छोटे देशों में भौगोलिक राजनीतिक इकाई का बंटवारा कर वहां पर साधारण सीटों के लिए प्रयोग किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है वह भौगोलिक क्षेत्र से बड़े निर्वाचित क्षेत्र के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। हर क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधित्व चुना जा सकता है जबकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व में एक निर्वाचित क्षेत्र से कई निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुना जा सकता है। राजनीतिक मत प्रत्यक्ष मतदाता प्रत्यक्ष रूप से मत देता है जबकि अनुपातिक में भी मतदाता राजनीतिक दल को मत देता है न कि प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि को। जब हम बात करते हैं राजनीतिक दल को प्राप्त मतों का अनुपात से अधिक कम या कम सीट विधायिका में मिल सकती है। जब अनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो हर राजनीतिक दल के पास को प्राप्त मत के अनुपात से ही विधायिका की सीट हासिल होगी। वही फर्स्ट पोस्ट द पास्ट सिस्टम में यह जरूरी नहीं है कि विजयी उम्मीदवार को 50% सीट ही मिले जैसा कि भारत और ब्रिटेन में देखने के लिए मिलता है, लेकिन अनुपातिक प्रतिनिधित्व में विजयी उम्मीदवार को मत के बहुमत हासिल करना अनिवार्य होता है जैसा कि इजराइल, नीदरलैंड, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने के लिए मिलता है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से बीएनएस में बदलाव करने के लिए कहा। जब हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता की तो उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले दुरुपयोग से बचने के लिए धारा 85 और 86 में आवश्यक बदलाव करने अनिवार्य, ताकि इनका किसी के भी द्वारा झूठे रूप से आंतरिक साजिश की तरह प्रयोग ना किया जा इनका दुरुपयोग ना किया जा सके। इसलिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 में कहा गया है कि किसी महिला का पति या पति के रिश्तेदार या उस महिला के साथ क्रूरता करेंगे तो 3 साल की सजा की जाएगी और उनके ऊपर जुर्माना भरना पड़ेगा। वही जब धारा 86 की बात करते हैं तो यह क्रूरता को परिभाषित करता है जिसमें महिला की मानसिक शारीरिक दोनों ही तरह की हानि को शामिल किया गया है। वही शीर्ष अदालत ने 14 साल पहले केंद्र में दहेज विरोध कानून पर फिर से विचार करने के लिए बात की है क्योंकि कई संख्या में बढ़ा चढ़ाकर या फिर झूठे दायरे यहाँ देखने के लिए मिलते हैं जिसमें इस प्रकार के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं लेकिन उनमें सत्यता नहीं होती। इस तरह से अनिवार्य है कि इनके अंदर कुछ बदलाव किए जाए ताकि इनका दुरुपयोग ना किया जा सके। दूध में ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करना पशु के लिए के साथ क्रूरता है, तो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है कि गाय भैंस रखने वाली डेयरियों को ऑक्सीटोसिन का गलत उपयोग करने के खिलाफ उनके द्वारा कार्रवाई होना अनिवार्य है। किसी भी जानवर के ऊपर इस प्रकार के दवाई का प्रयोग करके जिससे कि उनके हार्मोनिक संबंधित दवा का प्रयोग कर ना उनके खिलाफ अवैध है, अकानूनी है क्योंकि इस तरह से उनके साथ होने वाली यह क्रूरता है जो कि उन्हें उनका शोषण करती है जिसकी वजह से इनके ऊपर नियमित कार्रवाई होना अनिवार्य है। इसके अलावा
इस तरह की प्रक्रियाओं में शामिल होने वालों को स्रोत की पहचान की जाए तथा उनके ऊपर नियंत्रित कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो भी लोग डेरिया खोलते हैं, उससे संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए सीवेज, जल निकासी, बायोगैस संयंत्र और मवेशियों को घूमने फिरने के लिए पर्याप्त जगह का होना अनिवार्य है, वो भी पर्याप्त चारागाह के साथ, ताकि उन्हें, अगर ऐसा स्थान नहीं है तो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाए, तथा कचरा पट्टी के बगल में डेरिया ना ओपन हो, ताकि बीमारियां और सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्या या इस प्रकार के खतरे को रोका जा सके। कचरे का भार ढोते गरीब देश। तो किस तरह से निरंतर जो कचरे की समस्या बढ़ती जा रही है, कि पश्चिमी देशों का दक्षिणी के देशों में गैर बराबरी की देखने के लिए मिलते, किस वजह से विकसित देश अपने कूड़े को निरंतर अंतरराष्ट्रीय समझौते के होते हुए विकासशील देशों के अंदर डालते रहते हैं। 2013 से लेकर 19 तक कनाडा और फिलीपींस के बीच एक अनोखा विवाद देखने के लिए मिला था, जिसमें पुनर्चक्रित प्लास्टिक के अवशिष्ट के नाम पर 103 बड़े कंटेनर फिलीपींस भेज दिए गए थे, लेकिन उन्हें पुनर्चक्रित प्लास्टिक जो बड़े घरेलू कूड़े में भेजे गए थे अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी थी, जिसके बाद यह एक समस्या उत्पन्न हुई। फिलीपींस ने कनाडा के खिलाफ युद्ध की धमकी दी, जिसके बाद 103 में से केवल 69 कंटेनर को ही वापस लिया गया, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से वह कार्य पूर्ण नहीं हुआ। किस तरह से अंतरराष्ट्रीय समझौता होते हुए भी विकासशील देशों के साथ इस तरह का निर्यात किया जाता है। जब बेसल समझौते की बात करते हैं, जो कि कचरे के तथाकथित वैश्विक व्यापार का एक सिरा से संबंधित है, जो बात करते हैं किस तरह से चीन जो अचानक आर्थिक प्रगति से जुड़ गया, उसमें 90 के दशक में हमने उसमें उत्पन्न होने वाली समस्या देखी थी, किस तरह से चीन से हर किस्म के उत्पादित शिपिंग कंटेनर में भरकर अमेरिका और यूरोप भेजा जा रहा था, यूरोप भेजा जा रहा था वापस में खाली कंटेनर में पश्चिम देश के अपने घरेलू कूड़े कचरे को भेज दिया जाता था, जिसका प्रयोग वह विभिन्न प्रकार के पुनर्चक्रण या नए उत्पाद बनाने में कर लेता था। इस तरह से जो पश्चिमी देशों का कूड़ा है, वह 90 दशक तक आते आते प्लास्टिक की खपत अत्यधिक बढ़ गई, और उनका जो निरंतर अपने कूड़े को एक विकसित देशों से विकासशील देशों की तरफ भेजने का चरण है, वह अत्यधिक बढ़ता चला गया। इस तरह से यह प्रक्रिया आरंभ हुई। इसी तरह से अफ्रीका, एशिया और विकसित देशों में इस तरह के कूड़े को भेजा जाता है, जहाँ सस्ते मजदूर और कठोर पर्यावरण नियम नहीं है, जिसके कारण यह एक व्यापार का हिस्सा बन गए हैं। और भारत और बांग्लादेश में पुराने जहाजों को निरस्त किया जाता है, जो कि यहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। अधिकांश बार देखने के लिए मिलता है कि इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक को पुनर्चक्रण होने के लायक में नहीं होता, लेकिन उन्हें फिर भी भेज दिया जाता है। किस तरह से साइंटिफिक अमेरिका के मुताबिक अमेरिका का एक आदमी भारत के आम आदमी के मुकाबले 45 गुना ज्यादा प्लास्टिक का नुकसान पहुंचाता है, तथा चीन का एक आदमी 53 गुना अधिक संसाधनों का दोहन करता है। तो किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में विकसित देशों के द्वारा कूड़ा उत्पन्न किया जाता है, तथा उन्हें धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम एशिया यह पश्चिम को कचरे के नए ढाल में बदल दिया जाता है, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देश शामिल है। वहीं बेसल समझौते के तहत जो केवल एक ही कचरे को एक ही देश से दूसरे देश में ले जाने की अनुमति देता है, जो पुनर्चक्रण होने लायक और दोबारा इस्तेमाल में आने लायक हो, उन्हीं के लिए यह अनिवार्य है। इसके अलावा जहरीले और पर्यावरण के लिए हानिकारक ना हो, तभी उस कचरे को एक देश से दूसरे देश की तरफ भेजा जा सकता है, लेकिन इस तरह से इन नॉर्म्स का कोई प्रयोग नहीं किया जाता, अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी की जा रही है। किस तरह से अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जो बेसल नोल समझौते को नहीं मानता। जब हम कचरा उपनिवेशवाद की बात करते हैं, तो यह शब्दावली पहली बार 1989 में बेसल नोल समझौते में अफ्रीका देशों के द्वारा अपनाई गई थी, जिसमें उन्होंने विकृत गैर बारीकी से बताए हुए बताया था किस तरह से अमीर देश कचरा दक्षिण देशों में छोड़ देते हैं, और जो बहुत छोटा छाट कर अक्सर जला दिया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है, और उन गरीब देशों के ऊपर, उनके स्वास्थ्य के ऊपर, उन सभी कचरों का बुरा प्रभाव देखने के लिए मिलता है। उससे कार्बन उत्सर्जन होता है, और उन सभी का जिम्मा उन्हीं देशों के ऊपर डाल दिया जाता है। किस तरह से इतनी बड़ी संख्या में जो संसाधनों का दोहन है वो किया जा रहा है, जिससे व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानिकारक प्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ते हैं, जिन्हें गरीब देशों के हिस्से में डाल दिया जाता है। इसलिए अनिवार्य है कि जो अंतरराष्ट्रीय नियम है उनको
निभाया जाए और सभी को उसके अंदर लाया जाए। किस तरह से जिन देशों में अत्यधिक कठोर पर्यावरण नियम नहीं है उनके अंदर नियमों का देखी की जाए। दक्षिण के देशों में अब यह प्रवृत्ति को विरोध करना अनिवार्य है। इसके अलावा जब भारत में अपनी अध्यक्षता में ब्रिक्स के अन्य देशों को शामिल मिलाकर दक्षिण के देशों के पक्ष को बढ़ावा रखा था, इसी तरह से अनिवार्य है कि समस्या को भी समझा जाए और इसके ऊपर कड़े कदम उठाए जाए। चुनाव के इच्छुक लोगों को तुरंत जारी किया जाए आवेदन प्रमाण पत्र। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो भारतीय निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि चुनाव लड़ने के इच्छुकों को 48 घंटे पहले नो ड्यू सर्टिफिकेट प्रमाणित करना पड़ेगा, जो कि नामांकन के दौरान जमा नहीं करवाया गया तो नामांकन रद्द हो जाएगा। इस तरह से जब हम बात करते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की, जिसके अंदर यह प्रावधान किया गया है कि संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा यह हलफनामा दिया जाएगा, जो भी इच्छुक उम्मीदवार है वह उसको संबंधित निर्वाचित क्षेत्र से राजनीतिक दल के मतदान को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए यह सहभागी अनिवार्य है कि चुनावी लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर किए बिना इस तरह से जो भी उनके नीति निर्देश है उनको पूर्ण रूप से पूर्ण किया जाए। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ 3 दिवसीय दौरे पर नेपाल पहुंचे, तो यह इतिहास में पहली बार है जब किसी भारत के किसी मौजूदा प्रधान न्यायाधीश ने नेपाल की आधिकारिक यात्रा की है। यह काठमांडू में केंद्रीय बाल न्याय संहिता द्वारा बाल अधिकार पर आयोजित किया गया एक राष्ट्रीय संगठित मुख्य वक्ता होंगे। किस तरह से उन्हें श्रेष्ठ निमंत्रण के द्वारा भेजा गया, और इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि किस तरह से भारत और नेपाल के समकक्ष जो संबंध है उनको भी बढ़ाया जाएगा, और जो राष्ट्रीय बाल अधिकार केंद्रीय बाल न्याय संहिता समिति और बाल अधिकार है उन पे आयोजित सभी को पूर्ण रूप से कार्य किया जाएगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ जी का कहना है कि कानून की जटिल क्रिया है किशोर न्यायालय, तो किशोर न्यायालय केवल इन इससे संबंधित जेजे अधिनियम के निर्देश तक ही सीमित नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार की जटिल प्रक्रियाओं में भी शामिल है। हम देखने को मिलता है किस तरह से 14 वर्षीय बलात्कार पीड़ित का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 30 सप्ताह के अंदर उन्होंने उन्हें गर्भपात करने की मंजूरी दी, लेकिन उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या को देखते हुए उन्होंने उस पर रोक भी लगा दी। तो जब हम बात करते हैं एमटीपी अधिनियम के तहत भ्रूण के गर्भपात करने की, तो इसकी सीमा विवाहित महिला के लिए केवल 24 सप्ताह रखी गई है, लेकिन किसी इस तरह की परिस्थिति में जहाँ कोई बलात्कार पीड़ित हो, कमजोर महिला हो, या फिर विकलांग हो, या नाबालिग समस्याएं शामिल हो, वहां पर इनमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हमें देखने के लिए मिलते हैं कि उन्हें कोर्ट के द्वारा मंजूरी लेनी पड़ेगी और उसके बाद एम्स के द्वारा बैठे हुए डॉक्टर्स और अधिकारियों के कमीशन के द्वारा ही वह सूची प्रारंभित की जा सकती है कि गर्भपात करवाना अनिवार्य है नहीं, उसके बाद ही उस को मंजूरी मिल सकती है। वही एक राष्ट्रीय संगठित में नाबालिग लड़की से संबंधित मामले का जिक्र किया, किस तरह से इनकी सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत जरूरी है कि पूरी प्रक्रिया को पूर्ण किया जाए, सुविधा और संचालन प्रणाली को बढ़ाया जाए, उनको स्थापित किया जाए, और वास्तव में किशोर न्यायालय केवल किशोर न्याय अधिनियम के नीति निर्देशक तक सीमित ना रहकर उन जटिल परिस्थितियों को भी समझे, उनको भी समझने का आधार प्राप्त करें कि किस तरह से अगर परिवर्तन के अनिवार्य है तो परिवर्तन किए जा सके, जो कि अनुच्छेद 142 के तहत अपनी जो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार प्रदान करते हैं कि अनुच्छेद 142 के तहत वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने दिए हुए निर्णय को में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि देखा गया था कि उन्होंने नाबालिग लड़की से संबंधित अपने दिए हुए मामले को फिर से निर्देश को फिर से परिवर्तित किया था। पूर्ण न्याय के लिए आवश्यक आदेश पारित किए जा सकते हैं, तो अनुच्छेद 142 पूर्ण न्याय से संबंधित है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनके दिए हुए फैसले में परिवर्तन किया जा सकता है। केरल तमिलनाडु की ऊंची समुद्री लहरें उठने की चेतावनी जारी की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा 0.5 से 1.5 मीटर तक की ऊंची लहरें उठने की संभावना दर्शाई गई, जो कि एक केंद्रीय एजेंसी है, उनके द्वारा मछुआरों या फिर समुद्र के किनारे समीप रहने वालों को चेतावनी दी गई है वह कि समुद्र के आसपास ना रहे और उनसे दूर रहे और नौकाओं को समुद्र में ना उतारे। केरल राज्य आपदा प्रबंधन द्वारा मौसम संबंधित एजेंसियों का बयान दिया गया है कि इस तरह से खतरनाक क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी गई है।
जब बात करते हैं हिंद महासागर में दक्षिणी हिस्से में तेजी से चलती हुई हवा के परिणाम स्वरूप समुद्र में लहरें बनती है और वह अत्यधिक ऊंची उठती है। इस परिस्थिति को कलकड़म नाम दिया जाता है। तो तेजी दक्षिण हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में चलने वाली तेज हवा जो कि समुद्र में लहरें उठाती है, इस परिस्थिति को कलकड़म नाम से जाना जाता है। चीन ने चंद्रमा की दूर स्थित हिस्से से नमूना लेने के लिए अंतरिक्ष यान भेजा। तो किस तरह से चांग 6 मिशन जो पृथ्वी के सभी सम्मुख आने वाले चंद्रमाओं के दूर हिस्से का नमूना लेने में के लिए भेजा गया चाइना के द्वारा। रक्षा सहयोग के द्विपक्षीय प्रयासों की सीमा बैठक आज। तो संयुक्त तो रक्षा सहयोग समिति के द्वारा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग से जुड़ी पहल की गई है, जिसमें रक्षा उपबंध संबंधित समुद्री सुरक्षा बहुव्यापी सहयोग क्षेत्रीय मैदान से संबंधित और सभी समस्याओं के ऊपर बातचीत की जाएगी। यहाँ DRDO और पुणे में टाटा एडवांस सिस्टम और LDT रक्षा प्रशिक्षण भी किया जाएगा, जिसके द्वारा भारत फोर्ज महिंद्रा डिफेंस मजगाम डॉकयार्ड शिप लिमिटेड के द्वारा किए गए हैं। इस तरह की रक्षा समझौते को विचार विमर्श करने अनिवार्य है। साथ ही दोनों भारत प्रशांत क्षेत्र और मिशन का भी अनिवार्य है। किस तरह से भारत इंडोनेशिया के पूर्व की ओर देखो की नीति के तहत हिंद महासागर को एक महत्वपूर्ण भागीदार समझता है। डिड यू नो एट 25 ईयर एंड 11 मंथ BJD चंद्रायु मुर्मू बिकम द यंगेस्ट इवन लोकसभा MPO इन 2019। समाजवादी पार्टी शफीकुर रहमान बरी 94 हेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीइंग द ओल्डेस्ट MP यूनिट अंटिल ही डेड इन फेब्रुअरी 2024। जेंडर पार्टी इन इलेक्शन ड्यूरिंग द ऑनगोइंग इलेक्शन इन इंडिया 968.8 मिलियन इलेक्टर्स आर रजिस्टर्ड टू वोट। ओवर 26.3 मिलियन न्यू इलेक्टर्स हैव बीन इंक्लूड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ विच 14.1 मिलियन आर फीमेल इलेक्टर्स। तो सपोज द न्यू इनरोल मेल वोटर्स 12.2 मिलियन बाय ओवर 15%। हम देख सकते हैं किस तरह से महिलाओं की भागीदारी अधिक देखने के लिए मिल रही है पुरुषों के साथ, अगर हम उनका कंपैरिजन करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आंसर करो।